हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, यह आपको एसएससी सीजीएल स्पेशल के लिए जो जीके जीएस मैराथन है आरंभ है प्रचंड नाम से जो सेशन आरंभ किया गया है, इस आरंभ है प्रचंड जो नाम से सेशन है इसका आज जो पार्ट टू होने वाला है। जी हाँ, जो पार्ट टू यहाँ पे होने वाला है। पहले पार्ट में हमने देखा, पहला पार्ट हो चुका है और हमने देखा पहले पार्ट में ही कि किस प्रकार से जो भारत का भूगोल है उससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी हमने थ्योरी भी कवर की और आपको बताया गया कि जो एग्जाम ओरिएंटेड जो मुख्य बातें हैं उन पर चर्चा कर चुके हैं। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज बात करने वाले हैं जो जीके जीएस मैराथन 2 है उसमें आपको बिल्कुल एग्जाम में छपने वाले जो सवाल है वह मिलने वाले हैं। चलिए जो थ्योरी पार्ट है वह आरंभ करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आज के जो सेशन में सॉरी दोस्तों, जो आज के सेशन में बात करने वाले हैं वह है चैनल। जी हाँ, चैनल के ऊपर यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो अब आपको सभी यहाँ देख रहे होंगे चैनल किस प्रकार से होते हैं। तो दोस्तों, तो यहाँ पे जो भी चैनल बनते हैं, 8 डिग्री चैनल की बात की जाए, 8 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल, और जो ग्रांड चैनल होता है ग्रांड चैनल, और दोस्तों डक्कन पास कहा जाए, डक्कन पास हो चाहे कोको स्टेट हो या दोस्तों आपके सामने 16 डिग्री चैनल हो या 24 डिग्री चैनल हो, तो ये तमाम चैनलों के बारे में आज की क्लास है दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है उन पे है। आज के बाद जो आपको दोस्तों जो चैनल से कोई भी क्वेश्चन यदि पूछा जाए तो वह आपका कभी भी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं और बात करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले यहाँ पे हम भारत का जो ड्रा है नक्शे का वह ड्रा करने वाले हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पे आरंभ करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो भारत का नक्शा है वह दक्षिणी हिस्सा इस प्रकार से है। तो यहाँ पे यह दक्षिणी हिस्सा है और दोस्तों यहाँ पे जो नीचे की ओर जो है वह यह है श्रीलंका है, आप सभी को पता है। तो दोस्तों कुछ द्वीप इधर बने हुए हैं, कुछ द्वीप हैं जो इधर बने हुए हैं, इन द्वीपों को क्या कहते हैं? कुछ द्वीप इधर बने हुए हैं और कुछ द्वीप हैं जो इधर हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। कुछ द्वीप इधर बने हुए हैं, उन द्वीपों के बारे में भी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इधर जो ये द्वीप है उनमें भी चैनल है, इधर भी चैनल है, और यहाँ पे आप सभी को पता है जो 16 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है, 16 डिग्री चैनल गोवा से गुजरता है, और यह जो उत्तरी सह्याद्री दोस्तों जो पश्चिमी तट है उसको दो भागों में बांटता है। इसके अलावा यहाँ पे एक 24 डिग्री चैनल और गुजरता है जो गुजरात के सर्किकर से गुजरता है, वह भारत और पाकिस्तान के मध्य है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं एक बार हल्का, फिर यहाँ इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। यहाँ पे यह जो दिया गया है यह मालदीव है। जी हाँ, यह मालदीव है और यह मिनिकाय है और यह है जो अमिनी द्वीप है। जी हाँ, अमिनी द्वीप यह है। तो अब यहाँ पे चैनल के बारे में बात करते हैं। जो मिनिकाय और मालदीव के मध्य जो चैनल दिया गया है वह 8 डिग्री चैनल है। जी हाँ, 8 डिग्री चैनल है, और यहाँ पे मिनिकाय और अमिनी द्वीप की जो मध्य चैनल दिया गया है वह 9 डिग्री चैनल है, इसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। बात की जाए 10 डिग्री, तो 10 डिग्री चैनल होता है वह अंडमान। जी हाँ, यहाँ पे अंडमान व निकोबार के मध्य, अंडमान व निकोबार, जी हाँ निकोबार के मध्य जो चैनल है उसे 10 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो दोस्तों यह है, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो श्रीलंका के और भारत के मध्य जो सबसे पहले पंबन द्वीप आता है, जी हाँ पंबन द्वीप आता है, या हम बात की जाए मन्नार की खाड़ी भी यही है, मन्नार की खाड़ी भी यही आती है, या धनुषकोटि की बात की जाए तो धनुषकोटि भी यहाँ से ही संबंधित है, या बात करें राम सेतु की तो राम सेतु भी दोस्तों यहाँ भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो आपको ये तमाम जो बातें हैं वह पता होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करने वाले हैं, सबसे पहले जो इधर के ये जो चैनल है उनको विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से आपको यहाँ पे थ्योरी होने वाली है। तो चलिए आरंभ करते हैं इधर। तो दोस्तों आपको इस प्रकार से यह जो द्वीप बताए गए थे इनको बड़ा बनाकर आराम से देखते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से पुट अप होता है। दोस्तों यह जो है द्वीप है यह है मालदीव है। जी हाँ, मालदीव को यहाँ पे दर्शाया गया है। फिर बात करें यह है तो इसे मिनिकाय नाम दिया गया है। जी हाँ, मिनिकाय नाम दिया गया है, और यह है अमिनी द्वीप है। जी हाँ, अमिनी द्वीप है। अब बात करते हैं इनके मध्य जो चैनल है, तो 8 डिग्री चैनल दोस्तों जो मिनिकाय और
मिनिकाय और मालदीव के मध्य है, इसे 8 डिग्री चैनल, जी हाँ 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। और अमिनी द्वीप और मिनिकाय के जो मध्य है उसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है, इसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। तो यहाँ पे 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल के बारे में हम देख चुके हैं। और दोस्तों आपको बात की जाए तो ये जो मिनिकाय तक है, यहाँ से लेकर ये जो द्वीप दिए गए हैं, यह है लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। जी हाँ लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं, लक्षद्वीप के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब लक्षद्वीप से संबंधित जो और क्वेश्चन होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप पूछा जाए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, द्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा द्वीप की कौन सा है, तो एंड्रोथ द्वीप है, वह है लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। जी हाँ एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप बात की जाए, लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, सबसे दक्षिणी द्वीप, जी हाँ सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो सबसे दक्षिणी द्वीप है मिनिकाय। जी हाँ आप देख पा रहे हैं कि जो लक्षद्वीप का विस्तार है वह आरंभ होकर यहाँ तक आता है मिनिकाय तक, तो सबसे लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप यहाँ से मिनिकाय हो जाता है, मिनिकाय हो जाता है। और बात की जाए यहाँ पे कि किस प्रकार से और यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, तो दोस्तों जो मालदीव है, मालदीव में यहाँ पे द्विही भाषा बोली जाती है। जी हाँ मालदीव में जो भाषा बोली जाती है वह द्विवेही है, द्विवेही भाषा मालदीव में बोली जाती है। और दोस्तों यहाँ पे लक्षद्वीप की बात की जा रही है, तो लक्षद्वीप की राजधानी के बारे में चर्चा करते हैं। लक्षद्वीप की राजधानी, तो लक्षद्वीप की राजधानी है जो कवरत्ती है, लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। और यह है केनोनार द्वीप पर समूह पर स्थित है। जी हाँ जो यह है केनानोर द्वीप समूह पर स्थित है, जो लक्षद्वीप के अंदर स्थित है, केनोनीर द्वीप समूह पर स्थित है। और यहाँ पे लक्षद्वीप के कवरत्ती में ही दोस्तों एक प्रमुख अभयारण्य है, और अभयारण्य का नाम है पिति पक्षी अभयारण्य। तो दोस्तों आपको एग्जाम में अभयारण्य से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिति पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो पिति पक्षी अभयारण्य जो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में स्थित है। लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, दोस्तों लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, मालदीव में द्विवेही भाषा बोली जाती है। तो लक्षद्वीप में भाषा कौन सी बोली जाती है, तो यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है। आपको भाषा के अंतर्गत भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लक्षद्वीप जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। जी हाँ इसके ऊपर हम पिछले क्लास में बात कर चुके हैं कि जो जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो वह है लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में 95% जनसंख्या, लक्षद्वीप की जो 95% जनसंख्या है वह केरल से लाए गए सैफी मुस्लिम समुदाय की है, केरल से लाए गए सैफी मुस्लिम समुदाय की है, सैफी मुस्लिम समुदाय की है, मुस्लिम समुदाय की है। जी हाँ जो केरल के अंदर जो जनसंख्या है उसका 95% हिस्सा है जो केवल केरल से लाए गए सैफी मुस्लिम समुदाय की है। इसीलिए दोस्तों कहा जा सकता है जो केरल की जो भाषा है मलयालम, वह भाषा ही लक्षद्वीप के अंदर बोली जाती है। तो दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से जो लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य कौन सा चैनल है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य 8 डिग्री चैनल है, तो जबकि अमिनी द्वीप और मिनिकाय के मध्य 9 डिग्री चैनल है। और दोस्तों जो और क्वेश्चन इसमें किस प्रकार देखे हैं कि लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो एंड्रोथ द्वीप लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। और लक्षद्वीप का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो है मिनिकाय है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के बाद आपका जो 8 डिग्री और 9 डिग्री चैनल और लक्षद्वीप से संबंधित यदि कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो वह गलत नहीं होने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो भारत और श्रीलंका के मध्य, दोस्तों हमारा जो दक्षिणी जो नक्शा है वह इस प्रकार से बना हुआ है, और यहाँ पे जो है जो श्रीलंका यहाँ पे है, तो इनके मध्य जो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि जो बना हुआ है उसे या तो पंबन द्वीप कहा जाता है, जी हाँ पंबन द्वीप कहा जाता है, या फिर मन्नार की खाड़ी भी पूछा जाएगी, मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के मध्य स्थित है, तो वह है भारत व श्रीलंका के है। इधर ही दोस्तों यह है आप अपना भारत है, और इधर जो दोस्तों श्रीलंका है,
इधर श्रीलंका है, मन्नार की खाड़ी, और दोस्तों अभी श्रीलंका है जो काफी चर्चा में बना हुआ है। वहां का राष्ट्रपति भवन के अंदर दोस्तों आम जनता घुस जाती है और वहां के राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग जाते हैं। फिर उसके बाद वहां शांति के लिए दोस्तों अलग जो वहां पे आप देख चुके हैं कि टीवी में किस प्रकार दिखाया गया कि राष्ट्रपति भवन के दोस्तों बेडरूम तक आम जनता का घुसना आम बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन में जो यह है, पंबन द्वीप, मन्नार की खाड़ी, धनुषकोटी या राम सेतु, दोस्तों किसी भी नाम से यदि आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका सभी का आंसर होना चाहिए श्रीलंका। जी हाँ, श्रीलंका यहाँ पे आंसर होना चाहिए। चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप। चलिए दोस्तों यहाँ पे बनाते हैं, सबसे पहले यह एक द्वीप है, फिर उसके बाद में एक और द्वीप है। तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में काफी द्वीप बने हुए हैं। फिर आता है यहाँ पे द्वीप, फिर आता है यहाँ पे द्वीप, फिर आता है यहाँ पे एक और द्वीप, फिर एक और द्वीप आता है नीचे, फिर दोस्तों यहाँ पे एक द्वीप है, फिर एक द्वीप है, और फिर यहाँ पे दोस्तों एक और द्वीप बना हुआ है। तो इस प्रकार ये सभी समस्त द्वीपों को देखते हैं, इनका नाम क्या है, किस प्रकार है। तो दोस्तों जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसका जो उससे जो यहाँ पे जो पहला द्वीप आएगा यह है कोको द्वीप है, कोको द्वीप है। फिर लैंडफॉल द्वीप आएगा दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप है, यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का उत्तरतम दोस्तों द्वीप है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए दोस्तों, लैंडफॉल द्वीप है। यह है कोको द्वीप है, तो दोस्तों यह म्यांमार में स्थित है। जी हाँ, म्यांमार का हिस्सा है कोको द्वीप, भारत का हिस्सा है जो लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप के बाद में आता है उत्तरी अंडमान। जी हाँ, लैंडफॉल द्वीप के बाद में आता है उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान के बाद में आता है मध्य अंडमान। जी हाँ, मध्य अंडमान आएगा, यह मध्य अंडमान है। फिर आने वाला है दक्षिणी अंडमान। जी हाँ, दक्षिणी अंडमान आने वाला है, दक्षिणी अंडमान आने वाला है। फिर उसके बाद में आने वाला है लिटिल। जी हाँ, लिटिल अंडमान, यहाँ से लिटिल अंडमान आ गया। लिटिल अंडमान के बाद में आने वाला है कार निकोबार। जी हाँ, कार निकोबार, कार निकोबार के बाद में आने वाला है ग्रेट निकोबार। जी हाँ, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। फिर नीचे आता है इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप। जी हाँ, यह है सुमात्रा द्वीप, सुमात्रा द्वीप, और यह है इंडोनेशिया का हिस्सा है। जी हाँ, इंडोनेशिया का हिस्सा है। दोस्तों अब आपने देखा कि यह यहाँ से आरंभ होकर ये यहाँ तक ये समस्त अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हिस्सा है। जी हाँ, अंडमान है निकोबार द्वीप समूह का यह हिस्सा है। जो अंडमान निकोबार का उत्तरतम सबसे उत्तरी द्वीप है वह लैंडफॉल द्वीप है, और सबसे जो दक्षिणतम बिंदु है वह ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, ग्रेट निकोबार द्वीप है। दोस्तों अब यहाँ पे बात करने वाले हैं जो इनके मध्य, तो दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाए आपसे कि जो भारत व इंडोनेशिया के मध्य कौन सा द्वीप है, कौन सा चैनल है। तो दोस्तों यह जो चैनल है इस चैनल का नाम है ग्रांड चैनल। जी हाँ, ग्रांड चैनल इस चैनल का नाम है, ग्रांड चैनल इस चैनल को कहा जाता है जो भारत व इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। और भारत में भी दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप के मध्य कौन सा चैनल है, तो ग्रांड चैनल है। तो दोस्तों यहां से आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत व इंडोनेशिया के मध्य ग्रांड चैनल है, जबकि भारत व म्यांमार के मध्य कौन सा द्वीप है, कौन सा चैनल है, तो वह है कोको स्ट्रेट। जी हाँ, कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट चैनल है जो भारत व म्यांमार के मध्य स्थित है, आपको यह भी पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं, 8 डिग्री चैनल की बात हो चुकी थी, 9 डिग्री की, अब यहाँ पे आता है 10 डिग्री चैनल है। जी हाँ, यह है 10 डिग्री चैनल, और 10 डिग्री चैनल है जो भारत के जो जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जिसमें वह 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, निकोबार को अंडमान से अलग करता है। तो 10 डिग्री चैनल अंडमान व निकोबार के मध्य स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे बात की जाए डक्कन पास की, तो डक्कन पास है जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। जी हाँ, डक्कन पास है जो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य स्थित है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तरी अंडमान पे, तो उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी है। जी हाँ, सबसे छोटी ऊंची स्थित है जो उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी स्थित है, सबसे ऊंची चोटी। जी हाँ, उत्तरी अंडमान में सबसे ऊंची चोटी स्थित है, तो उसका नाम है सैंडल पीक। जी हाँ, सैंडल पीक जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी लंबाई दोस्तों 738 मीटर है। जी हाँ,
जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक, जिसकी लंबाई 738 मीटर है दोस्तों, जो यहाँ पे स्थित है। और दोस्तों बात की जाए यहाँ पे एक जो लैंडफॉल द्वीप के जो उत्तरी में दोस्तों एक एक द्वीप समूह है, और यहाँ पे ही स्थित है नारकोंडम। जी हाँ, नारकोंडा द्वीप, यहाँ पे नारकोंडा द्वीप है, नारकोंडा द्वीप स्थित है। और ये नारकोंडा द्वीप से जो यह प्रसुप्त ज्वालामुखी है, जी हाँ प्रसुप्त ज्वालामुखी यहाँ स्थित है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है जो यहाँ पे स्थित है, तो यहाँ से यह भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप के बारे में बात की जाए, तो है मध्य अंडमान के थोड़ा उत्तर में स्थित है। तो यहाँ से जो यह द्वीप है, तो इसके बारे में बात करते हैं, सबसे बड़ा द्वीप है बैरन द्वीप। जी हाँ, सबसे बड़ा द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जी हाँ सबसे बड़ा द्वीप है, जिसका नाम है बैरन द्वीप। बैरन द्वीप जिसका नाम है वह है मध्य अंडमान के उत्तर में स्थित है। और बैरन द्वीप ही दोस्तों भारत का एकमात्र, जी हाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। जी हाँ, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वह है बैरन द्वीप। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। अब बात करते हैं दक्षिणी अंडमान में, तो दक्षिणी अंडमान में कवरत्ती स्थित है। जी हाँ, कवरत्ती जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है, वह है दक्षिणी अंडमान में। दोस्तों सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कवरत्ती तो लक्षद्वीप की राजधानी है, और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है वह है पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर है वह किस द्वीप पर स्थित है, तो वह है दोस्तों दक्षिणी अंडमान के ऊपर। दक्षिणी अंडमान ने जो द्वीप समूह है उसके ऊपर पोर्ट ब्लेयर जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और दोस्तों आपसे एक एग्जाम में क्वेश्चन मुख्य पूछा जाता है, उसके ऊपर बात करते हैं कि जो वीर सावरकर सेल्यूलर जेल है, जो पहले जो दोस्तों आजादी के समय काला पानी की सजा दी जाती थी, वह जेल भी यही स्थित है। तो और इसका नाम बदल कर वीर सावरकर सेल्यूलर जेल रख दिया गया है, सेल्यूलर जेल रख दिया गया है। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार भी पुट अप हो सकता है कि वीर सावरकर जेल कहाँ स्थित है, जहाँ काला पानी की सजा दी जाती थी। जी हाँ, काला पानी की सजा भी यहाँ पे वीर सावरकर सेल्यूलर जेल पे दी जाती है, जो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो अभी हाल ही में वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, यहाँ पे एक हवाई अड्डा भी बना दिया गया है, उसका नाम भी वीर सावरकर। जी हाँ, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों यह भी यहाँ पे ही स्थित है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे बात करें जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट यूलियर है, तो दोस्तों यहाँ पे भी जो यह दो भागों में अंडमान है निकोबार है, तो वैसे तो ओवरऑल जो इसकी सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक हो चुकी है, लेकिन निकोबार द्वीप समूह की बात की जाती है तो यहाँ पे भी जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम दोस्तों यहाँ पे लिख लेते हैं माउंट यूलियर। जी हाँ, माउंट यूलियर है जो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी लंबाई है दोस्तों 642 मीटर। जी हाँ, इसकी लंबाई 642 मीटर है, जो है ग्रेट निकोबार पे स्थित है। जी हाँ, यह ग्रेट निकोबार का ही हिस्सा है। तो दोस्तों हमने देखा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो समूह बताए गए हैं वह सभी आप समझ चुके होंगे, चाहे वह भारत व म्यांमार के मध्य कौन सा चैनल है उसकी बात हो, चाहे भारत व इंडोनेशिया के मध्य की जो चैनल की बात हो, तो यह भी पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों मैं एक बार फिर से आपके मध्य रख देना चाहता हूँ कि आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो, कि जो भारत व इंडोनेशिया के मध्य जो चैनल है उसका नाम ग्रैंड चैनल है। और दोस्तों 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। और दोस्तों जो कोको स्टेट चैनल है वह है म्यांमार व भारत के मध्य स्थित है, तो यहाँ से यह होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों, अब भारत के जो और दो चैनल रह चुके हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो आपने देखा दोस्तों यह गुजरात का एरिया है, इधर से इस प्रकार जो हमारा भारत का यह दोस्तों दक्षिणतम नक्शा बनाया गया है। तो दोस्त यहाँ पे बात करने वाले हैं, अब 16 डिग्री चैनल की बात करेंगे, तो 16 डिग्री चैनल यहाँ से गुजरता है, इसे 16 डिग्री चैनल कहा जाता है। इस चैनल के बारे में और क्या जो तथ्य है उसके बारे में बात करते हैं, तो पश्चिमी तट को 16 डिग्री चैनल पश्चिमी तट को दो भागों में बांटता है। जी हाँ, दो भागों में
दो भागों में बांटता है, पश्चिमी तट को दो भागों में बांटता है। और दोस्तों आप सभी को पता है, हम जहाँ यहाँ पे जो भारत के जो भौगोलिक क्षेत्र है, भारत का भौतिक प्रदेश, उसका जब अपन विभाजन पढ़ेंगे तो उस समय आपको पढ़ाया जाने वाला है कि जो पश्चिमी तट है उसको सह्याद्री कहा जाता है। तो सह्याद्री को दोस्तों जो जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री की गणना जहां से की जाती है वह 16 डिग्री चैनल ही है जो पश्चिमी तट को दो भागों में बांटता है। जो उत्तरतम भाग है उसे उत्तरी सह्याद्री कहा जाता है और जो दक्षिणतम भाग है उसे दक्षिणी सह्याद्री कहा जाता है। और जो यह 16 डिग्री चैनल है तो यह दोस्तों जो गोवा राज्य है, जी हाँ, गोवा राज्य के जो गोवा राज्य से गुजरता है, तो आपको यह 16 डिग्री चैनल भी पता होना चाहिए। इसके अलावा जो एक 24 डिग्री चैनल और है दोस्तों, 24 डिग्री चैनल, जी हाँ, 24 डिग्री चैनल एक और है जो भारत व पाकिस्तान के मध्य है, भारत व पाकिस्तान के मध्य है, पाकिस्तान के मध्य है। और यह 24 डिग्री चैनल है जो सरकिक्र, दोस्तों, जो सरकिक्र गुजरात से गुजरता है, जी हाँ, सरकिक्र गुजरात से गुजरता है। यहाँ पे 24 डिग्री चैनल की गणना की गई है। अब दोस्तों एक बार फिर से जो ये चैनल है मुख्य मुख्य उन पर देख लेते हैं, फिर जो आगे की जो बात है उसको आरंभ करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा था कि जो 8 डिग्री चैनल है वह लक्षद्वीप है वह मालदीव के मध्य है, 9 डिग्री चैनल है अमिनी द्वीप व मिनिकाय के मध्य है। फिर उसके बाद में हमने देखा कि जो भारत व श्रीलंका के मध्य पंबन द्वीप है उसका अन्य नाम मन्नार की खाड़ी, धनुषकोटी, राम सेतु है अन्य नाम है। फिर उसके बाद हमने देखा कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार को जो अलग करता है वह चैनल है 10 डिग्री चैनल। और भारत व इंडोनेशिया के मध्य है ग्रांड चैनल, भारत व म्यांमार के मध्य है जिसका नाम है कोको स्ट्रेट। तो आपको इस प्रकार से पता होना चाहिए। और अन्य इसके अलावा जो अन्य फैक्ट है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है, पितृपक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, वीर सावरकर सेल्युलर जेल कहाँ है, वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, भारत में काला पानी की सजा कहाँ दी जाती थी, ये तमाम प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए। 16 डिग्री चैनल कौन से राज्य से गुजरता है, वह जो पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटता है, यह समस्त प्रकार के क्वेश्चन, 24 डिग्री चैनल कहाँ से गुजरता है, कितने दो देशों के मध्य है स्थित है, तो ये समस्त प्रकार के क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए ताकि जो एग्जाम में चाहे किसी भी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो वह आपका गलत नहीं हो। तो चलिए अब जो अब बात अब आज के सेशन में आगे बात करने वाले हैं, जो भारत का जो ये हमने कल की क्लास और आज की क्लास में देखी है उसके अलावा भी कुछ मुख्य फैक्टर रह चुके हैं उनके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो जो भारत की जो तटीय सीमा है उसका विस्तारण जो किस प्रकार से किया गया है। तो दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि एक नॉटिकल मील होता है इसमें कितने मीटर, कितने किलोमीटर होते हैं, तो इसमें 1.85 किलोमीटर, 2 किलोमीटर होते हैं। और मीटर की बात की जाए एक नॉटिकल मील में तो 1852 मीटर होते हैं, जबकि एक मील में होता है जो 1600 मीटर होती है, 1600 मीटर कहा जाए, या दोस्तों जो 1.6 किलोमीटर कहा जाए, आपको यह पता होना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं जो जो जिस प्रकार दोस्तों यह भारत का नक्शा है, इसके अलावा जो भारत का जो इधर दोस्तों जो अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी है, नीचे है जो हिंद महासागर है। तो दोस्तों यह जो भारत का जो हिस्सा है यह यहीं समाप्त नहीं हो जाता है, जो यह समुद्र तट में भी दोस्तों बांटा गया है अलग अलग कि जो समुद्र तट के कितनी दूरी तक जो भारत का हिस्सा कवर करने वाला है। तो यह दोस्तों जो भारत की जो तटीय सीमा है, तटीय सीमा के अलावा भी दोस्तों जो समुद्र पानी के अंदर भी दोस्तों देशों का अधिकार होता है, तो इसका जो निर्धारण किस प्रकार किया गया है उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं सामुदायिक सीमा क्षेत्र, जी हाँ, सामुदायिक सीमा क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे, सीमा क्षेत्र के ऊपर बात करेंगे। तो यह 12 नॉटिकल मील तक होता है, जी हाँ, जैसे यह भारत का पश्चिमी तट है तो इसकी जो 12 किलोमीटर तक की दूरी होगी उसे सामुदायिक सीमा क्षेत्र कहा जाता है, जी हाँ, सामुदायिक सीमा क्षेत्र कहा जाता है। चाहे यह 12 किलोमीटर जो पश्चिम में हो, या 12 किलोमीटर की दूरी दोस्तों जो दक्षिण में हो, या 12 किलोमीटर की दूरी है जो कि भारत के पूर्व में हो, बंगाल की खाड़ी में हो, या अरब सागर में हो, या हिंद महासागर में हो, तो ये समझते दोस्तों दो तीनों तरफ की जो 12 किलोमीटर की दूरी होगी वह सामुदायिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा बात करते हैं सीमा क्षेत्र का, वह है संलग्न, जी हाँ, संलग्न सीमा क्षेत्र, इसमें दोस्तों 24 नॉटिकल मील की दूरी दी गई है, जी हाँ, 24 नॉटिकल मील की दूरी दी गई है, जो कि वह भी भारत का हिस्सा होता है। तो यहाँ से आरंभ होकर दोस्तों यहाँ तक जो भी क्षेत्र आएगा
वह संलग्न सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है। जी हाँ, संलग्न सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला है। फिर जो तीसरा नंबर आता है वह है अनन्य आर्थिक क्षेत्र। जी हाँ, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसे ईईजेड भी कहा जाता है, एक्सक्लूसिव। जी हाँ, इसकी फुल फॉर्म है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। जी हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इकोनॉमिक जोन भी इसे कहा जाता है। जी हाँ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसे कहा जाता है, जिसकी दूरी निर्धारण की गई है 200 नॉटिकल मील। दोस्तों, 200 नॉटिकल मील तक यहाँ से आरंभ होकर, और जो 200 नॉटिकल मील है वहां तक का जो क्षेत्र है वह भी भारत के अंडर में ही आता है। तो दोस्तों, यह इस प्रकार सीमाओं का निर्धारण किया गया है। समस्त देशों के जो तटीय सीमा बनाते हैं उससे 12 किलोमीटर, 12 नॉटिकल मील दूरी पर सामुदायिक सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। 24 नॉटिकल मील होती है वह संलग्न सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। और जो 200 नॉटिकल मील है वह अनन्य क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ईईजेड, जो 200 नॉटिकल मील तक दोस्तों निर्धारित किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों, जो भारत के जो जलीय सीमा में भी बंटवारा किया गया है। अब बात करें दोस्तों, भारत के क्षेत्रफल पर बात कर चुके हैं। भारत का जो क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जी हाँ, और जो भारत में विश्व की जनसंख्या के ऊपर भी बात कर चुके हैं। जनसंख्या का जो 17.5% जनसंख्या निवास करती है, और यह जो क्षेत्रफल है यह विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। जबकि जो विश्व की जनसंख्या की 17.5% निवास करती है, यह भी आप सभी के पता है, बात कर चुके हैं। और जो भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की गई थी वह पुर्तगालियों ने की थी। जी हाँ, भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज किसने की थी, इस प्रकार भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो पुर्तगालियों ने भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज की थी। जी हाँ, पुर्तगालियों ने की थी। इसके अलावा दोस्तों, और अन्य फैक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं, तो सिक्किम व मेघालय ऐसे राज्य हैं। जी हाँ, सिक्किम व मेघालय ऐसे राज्य हैं जो भारत के केवल एक राज्य से ही स्पर्श करते हैं। जी हाँ, जो सिक्किम व मेघालय है वह भारत के केवल एक राज्य से ही स्पर्श करते हैं। जैसे दोस्तों, जो सिक्किम की स्थिति इस प्रकार है, इधर नेपाल आता था है, इधर भूटान आता है, और नीचे केवल एक राज्य है जो है पश्चिम बंगाल से ही टच करता है। जबकि मेघालय है, मेघालय की स्थिति इस प्रकार से है, यह भारत का पूर्वोत्तम क्षेत्र है। इसमें सबसे पहले यहाँ आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे आ जाता है नागालैंड, फिर यहाँ पे आ जाता है मणिपुर, फिर यहाँ पे आ जाता है मिजोरम। जी हाँ, इधर आ जाता है मिजोरम, यहाँ पे आ जाता है त्रिपुरा। जी हाँ, इधर आ जाता है त्रिपुरा, और यहाँ पे जो स्थित है यह है मेघालय। जी हाँ, मेघालय, इधर बांग्लादेश है, और यह है जो असम है। तो आप देख पा रहे हैं, मेघालय केवल जो भारत का असम राज्य से ही स्पर्श करता है। तो जो सिक्किम व मेघालय ऐसे राज्य है भारत के जो केवल भारत के एक राज्य से ही स्पर्श करते हैं। अब बात करें, भारत का जो औसत समुद्र तल का मापन है वह चेन्नई से करते हैं। जी हाँ, भारत के औसत समुद्र तल की गणना या समुद्र तल की मापन है चेन्नई से की जाती है। जी हाँ, चेन्नई से भारत के समुद्र तल का मापन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, एक मुख्य फैक्ट पर बात करें, भारत में कुल 247 द्वीप समूह है। जी हाँ, भारत में कुल 247 द्वीप समूह है, भारत में कुल 247 द्वीप समूह है, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में। जी हाँ, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में, तथा 43 द्वीप समूह है, 43 जो द्वीप समूह है वह अरब सागर में स्थित है। जी हाँ, 243 अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में है।
तो दोस्तों आपने देखा भारत में कुल 247 द्वीप समूह है, जिनमें से 204 बंगाल की खाड़ी में है तथा 43 द्वीप समूह है अरब सागर में स्थित है। तो आपने देखा, यह आप देख चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने जो लक्षद्वीप के बारे में बात की थी, चैनल की बात की थी, तो लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र भी कहा जाता है। जी हाँ, आपको पूछा जा सकता है कि समुद्र पुत्र किस द्वीप को कहा जाता है, तो लक्षद्वीप को समुद्र पुत्र कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए, मेनिकाय लक्षद्वीप में सर्वाधिक विस्तृत है। जी हाँ, मेनिकाय है जो लक्षद्वीप में सर्वाधिक विस्तृत है। और दोस्तों भारत का एकमात्र जो जागृत ज्वालामुखी या सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। पहले अंडमान निकोबार को मरकत द्वीप कहा जाता था। जी हाँ, जो पहले है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप कहा जाता था। चलिए दोस्तों क्लास को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं जो भारत की सीमा है उसके बारे में। भारत की सीमा के बारे में बात करते हैं कि जो किस प्रकार से सीमा है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे भारत की कुल स्थलीय सीमा के बारे में। जी हाँ, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा है 15,200 किलोमीटर। जी हाँ, 15,200 किलोमीटर भारत की कुल स्थलीय सीमा है। और दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जा सकता है कि भारत की द्वीपों सहित कुल सीमा कितनी है। तो दोस्तों यदि जो द्वीपों की सीमा और मिला ली जाती है तो 22,716 किलोमीटर है जो कि कुल सीमा है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की बात की जाए तो 15,200 है, भारत की द्वीपों सहित कुल सीमा की बात की जाए तो वह 22,716 है। इसके अलावा और यहाँ पे भारत की तट रेखा की लंबाई पूछी जाए कि तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो भारतीय जो तटीय सीमा है वह 6,100 किलोमीटर है, जिसमें भारत के 9 राज्य भारत की तटीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक लंबाई जो गुजरात राज्य बनाता है, उसके बाद जो सेकंड नंबर पर आता है जो आंध्र प्रदेश आता है, और सबसे जो कम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य है वह गोवा है। तो आपको इस प्रकार भी पता होना चाहिए। अब दोस्तों इनमें भी यदि द्वीपों को मिलाकर पूछा जाए कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है, इस प्रकार पूछा जाए कि भारत की संपूर्ण तटीय सीमा कितनी है, तो तटीय सीमा यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 7,516.16 किलोमीटर है जो भारत की संपूर्ण तटीय सीमा है। तो दोस्तों भारत की द्वीपों सहित कुल सीमा या भारत की कुल स्थलीय सीमा यह दी गई है। जी हाँ, भारत की स्थलीय सीमा और जो भारत की संपूर्ण तटीय सीमा को मिला लिया जाता है तो भारत की द्वीपों सहित कुल सीमा आ जाती है 15,200 में 7,500 मिलाया जाएगा तो 22,716.16 बनने वाली है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए। और दोस्तों अभी बात की कि भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। जी हाँ, भारत के नौ राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। सर्वाधिक दोस्तों जो सीमा बनाता है वह है गुजरात। जी हाँ, गुजरात सर्वाधिक सीमा बनाता है। फिर उसके बाद में आता है आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर आता है दोस्तों तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु तीसरे नंबर पर आता है। और सबसे यदि बात की जाए न्यूनतम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य तो वह है दोस्तों गोवा। जी हाँ, गोवा सबसे कम तटीय सीमा बनाता है। दोस्तों क्वेश्चन यदि इस संदर्भ में पूछा जाए कि प्रायद्वीप भारत में सबसे लंबी तटरेखा कौन सा राज्य बनाता है, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए आंध्र प्रदेश। जी हाँ, आंध्र प्रदेश है जो सबसे बड़ी दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत में सबसे बड़ी तटरेखा आंध्र प्रदेश बनाता है। अब दोस्तों बात करने वाले हैं यहाँ पे जो और अन्य फैक्ट किस प्रकार हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों आपको यह भी पता होना चाहिए कि भारत का जो सबसे प्राचीन शहर कौन सा है, तो प्राचीन शहर है जो काशी है। जी हाँ, काशी बाबा महाकाल की नगरी काशी, जो वर्तमान में वाराणसी शहर है। जी हाँ, वाराणसी शहर है जहाँ से दोस्तों लोकसभा सांसद
जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वहां के सांसद हैं। वाराणसी शहर वर्तमान में नाम है और प्राचीन नाम हुआ करता था काशी। यह है दोस्तों जो वाराणसी है, वाराणसी शहर वरुणा व असी नदी के किनारे है। जी हाँ, वरुणा व असी नाम से नदी है उसके, वरुणा व असी नदियों के किनारे है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए स्थित है। और दोस्तों यहाँ पे बात की जाए कि भारत की सबसे प्राचीन नदी सिंधु है, वह विश्व की सबसे प्राचीन नदी है नील नदी है। भारत की सबसे प्राचीन नदी, भारत की सबसे प्राचीन नदी, सबसे प्राचीन नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे प्राचीन नदी है सिंधु। जी हाँ, सिंधु नदी भारत की सबसे प्राचीन नदी है। और यह क्वेश्चन विश्व के संदर्भ में पूछा जाए कि विश्व की सबसे प्राचीन नदी कौन सी है, तो विश्व की सबसे प्राचीन नदी है नील नदी। जी हाँ, नील नदी है विश्व की सबसे प्राचीन नदी। भारत के साथ है स्थलीय सीमा 16 राज्य व 2 यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाते हैं। भारत के अंतर्वर्ती राज्य 5 हैं, उनके बारे में बात कर चुके हैं। भारत की सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य, दोस्तों इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए इस पे बात करते हैं कि भारत के सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला सबसे ज्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला वाला राज्य कौन सा है, राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इस क्रम में जो सबसे पहला राज्य आता है वह आता है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश दोस्तों सर्वाधिक 8 राज्यों से सीमा बनाता है। जी हाँ, 8 राज्यों से सीमा बनाता है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन में हमने देखा कि जो चैनल होते हैं उन सभी के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। यदि आपको आज का सेशन अच्छा लगा है तो जो सेशन को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि यह सेशन सभी के पास पहुंच सके और सभी अपनी तैयारी की जो दोस्तों कर सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।